गुड मॉर्निंग बच्चों, ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और आज हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करें, किस चीज़ को क्या कहते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। इस पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है। नीचे वाले जो पट्टी दिख रहे हैं, उसे कहते हैं टास्क बार। इसे कहते हैं टास्क बार। चलिए इसको देखें, इसको कहते हैं टास्क बार। टास्क बार इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये सब जितने दिख रहे हैं, ये सब क्या हो गया, इसे आइकन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आइकन। ठीक है, यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू, ठीक है, सॉरी स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, ठीक है। जब इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी, जब इस पे क्लिक करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्टार्ट मेनू। इस पूरे को कहते हैं स्टार्ट मेनू। ठीक है, तो ये हम जाने कि क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो उसे जानने के लिए हमें क्या करना है, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दिखा रहा है विंडोज 7 अल्टीमेट। ठीक है, यहाँ से हम कंप्यूटर की कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रोसेसर कौन सा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे i3 है, कितना जीगा हर्ट है, तो 1.90 GHz है। और रैम कितना है, तो रैम इसमें हो गया 1 GB। सिस्टम टाइप है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से हमने क्या जाना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा प्रोसेसर है,
और कौन सा रैम है। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पे आपको दिख रहा है रैम के बारे में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिस्टम टाइप यानी 32 बिट के बारे में। समझ में आया। अब हम जानेंगे इसका हार्ड डिस्क कितना है, यानी जो स्टोरेज डिवाइस है उसके बारे में हमें जानना है कि कितना GB हार्ड डिस्क इसमें लगा हुआ है। तो कंप्यूटर आइकन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा और फिर खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्क मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 60 GB हार्ड डिस्क शो कर रहा है। कितना GB है तो आप, ये हो गया 60 GB हार्ड डिस्क। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंट यानी ड्राइंग कैसे करें। ड्राइंग करने से क्या होगा कि माउस पे कंट्रोलिंग पावर आपका बढ़ जाएगा, हाथ में स्थिरता आएगी, और आप जिस तरह माउस को कर्सर को घुमाना चाहे उस तरह घुमा सकते हैं। तो पेंट ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट मेनू में अगर पेंट दिख जाए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ खुल जाएगा। अब पेंट के बारे में हम कुछ मुख्य बातें जानेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। विशेष जानकारी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब पेंट में किसको क्या कहा जाता है ये हम जानते हैं। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। इस ऊपर वाले पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहते हैं, कहते हैं टाइटल बार।
उसे क्या कहा जाता है? तो और वो क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिनिमाइज बटन। ठीक है, उसके बाद इसे क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो क्लोज बटन। बटन ठीक है, ये हो गया क्लोज बटन। इसे कहा जाता है टैब्स, इसे कहते हैं टैब्स। जो होम व्यू ये सब दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? टैब्स से कहते हैं टैब्स। टैब्स हो गया, और फिर हम इस पूरे को क्या कहते हैं? रिबन। ये जो पट्टी टाइप का यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? रिबन। इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है। रिबन ठीक है, और जो इसमें दिख रहा है जैसे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, कलर्स, तो ये सब हो गए ग्रुप्स। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप। ये हो गया ग्रुप्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रुप क्लिप बोर्ड है, तो क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्या क्या है? तो कट, कॉपी, पेस्ट। इमेज में क्या है? तो सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। टूल्स में क्या है? तो पेंसिल, फिल विथ कलर, टेक्स्ट इरेजर, कलर पिकर, मैग्नीफायर, ब्रश। ये हो गए शेप्स। शेप्स के मदद से आप जो भी जितने भी शेप्स दिए गए हैं वो सब आप ड्राइंग कर सकते हैं। आउटलाइन, फिल, फिर साइज अलग है। कलर्स में आ गए, कलर्स व्यू टैब्स में देखते हैं क्या है। जूम इन, जूम आउट, रूलर, ग्रेड लाइन, स्टेटस बार, फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं। चलिए स्टेटस बार के बारे में जान लेते हैं। स्टेटस बार के बारे में, स्टेटस बार किसे कहा जाता है? तो स्टेटस बार कहते हैं कोई भी एप्लीकेशन के निचले वाले जो हिस्से होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार, जहाँ पे पेज का इंफॉर्मेशन बताया जाता है कि कितना पेज ओपन है, कितना टेक्स्ट है, ये सब इसमें बताया जाता है। स्टेटस बार ठीक है, जो आप यहाँ पर लिखे हैं स्टेटस बार,
देखेंगे यहाँ पे जो दिख रहा होगा स्टेटस बार वन सेलेक्ट करेंगे तो हट जाएगा, हट गया, फिर क्लिक किया आ गया, स्टेटस बार हो गया, इधर हो गया जूमिंग एरिया, यानी यहाँ से आप पेज को जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जूम। तो जूम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बीच में आपका वर्किंग एरिया हो जाता है, यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जाने कि क्या है, क्लोज बटन से एप्लीकेशन को बंद किया जाता है, मैक्सिमाइज बटन से एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन और छोटे स्क्रीन में किया जाता है। जैसे ये छोटा स्क्रीन है, इस पर क्लिक करेंगे बीच वाले बटन पर मैक्सिमाइज, तो ये बड़ा हो जाएगा। मिनिमाइज से क्या होगा, तो आपका एप्लीकेशन छिप जाता है, हाइड हो जाता है, बट एप्लीकेशन खुला रहता है। फिर से उसे ओपन करने के लिए हमें टास्क बार पे यहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ क्लिक करेंगे और ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पेंट के बारे में कुछ। अब हम जानेंगे ड्राइंग कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं। ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप माउस को घुमाएंगे तो ये ड्राइंग होगा। ठीक है, कलर करने के लिए आप फिल विथ कलर का यूज करेंगे, अगर कुछ लिखना हो तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं अपना नाम। ठीक है, मिटाने के लिए इरेजर पे क्लिक करेंगे, इरेजर छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको मिटाने के लिए हमें लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करना होगा, जिधर जिधर मिटाना है उधर आप मिटा सकते हैं। मैग्नीफायर यानी जूम करने के लिए, कलर पिकर यानी पिक करने के लिए, डालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे शेप्स है तो आप अगर कुछ इसी तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी शेप्स को शेप्स पर क्लिक करें और लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल विथ कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, जो आपको कलर डालना है उस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे, इस बाल्टी को यहाँ पे उछल देंगे तो इसमें कलर आ जाएगा। तो कलर पिक करने के लिए हमने यहाँ पे कर्सर लाया और लेफ्ट बटन को प्रेस किया, तो इस तरह से हमने फिल किया। इसे क्या कहते हैं, इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट का यूज करेंगे और इसे कहा जाता है क्लाउड।
CLOUD, क्लाउड। क्लाउड मीन्स बादल, ठीक है। और इसे हमें सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फाइल नेम, यानी यहाँ पे फाइल नेम डालेंगे, तो फाइल नेम हम क्या डालेंगे, तो क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जानेंगे कैसे कि ये सेव हुआ या नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ टाइटल बार पे जो आप फाइल नेम डाले हैं वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें, दिख रहा है क्लाउड। तो इस तरह से फाइल सेव किया जाता है। अब सपोज मान लीजिए इसे हम बंद कर दें, तो बंद कर दिए, फिर से हमें उस फाइल को खोलना है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, पेंट पे क्लिक करेंगे और हमें उस फाइल को देखना है, तो फिर फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर लाइब्रेरी में क्लाउड है, इस पे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका फिर से वो पहले वाला आ गया। तो आज की क्लास में हम इतना जाने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको आगे हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो पेंट पे अच्छे से ड्राइंग कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन डाउट आप लोग को हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।